हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 6। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 45 पुरुष या 60 लड़के एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। देखिए दिया है कि 45 पुरुष या 60 लड़का काम करता है तो 20 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 45 पुरुष काम करेगा तो 20 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, या 60 लड़का काम करेगा तो 20 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यानी यहां से कह सकते हैं कि 45 पुरुष के लिए समय जो है वो 60 लड़का के समय के बराबर है। तो यहां से कह सकते हैं कि 45 पुरुष का जो क्षमता होगा वो 60 लड़का के क्षमता के बराबर होगा। तो लगाइए 45 पुरुष यानी 45 मैन बराबर कितना, 60 बॉय। ठीक है, तो यहां से रेशियो निकाल लेंगे मैन और बॉय का, तो निकल जाएगा क्षमता का रेशियो। करिएगा 15 तिया 45 और 15 चको 60, तो कितना जाएगा 3m = 4b। तो m और b का रेशियो कितना जाएगा, 4:3। ये क्या निकलेगा, क्षमता का रेशियो निकलेगा। क्या निकलेगा, क्षमता का रेशियो। और ध्यान दीजिएगा समय कितना दिन था, 20 दिन का था। समय कितना, 20 दिन। देखिए अगर इसमें भी 20 से गुना किया जाता और इसमें भी 20 से गुना किया जाता तो 20-20 क्या होगा, कट जाएगा। इसलिए 20 को नहीं लिखे, यानी समय को गुना नहीं किए, सिर्फ आदमी की संख्या और बॉय की संख्या बराबर करके क्षमता का रेशियो निकालने हैं। अब बोला था 15 पुरुष तथा 20 लड़के उसी कार्य कितना दिन पूरा करेंगे। तो कौन कौन, 15 पुरुष यानी 15 मैन तथा 20 लड़का मिलकर काम करता है तो काम को कितना दिन में करेगा, तो मानते 1 दिन में करेगा। कौन सा काम, वही काम जो काम पुरुष कर रहा था या लड़का कर रहा था। तो कह सकते हैं कोई भी रख लीजिए, पुरुष वाला या लड़का वाला। तो 45 मैन कितना दिन में, 20 दिन में। यह आदमी की संख्या 45 और कितना दिन, 20 दिन। तो ये क्या निकला, काम, मैन गुना डे का निकला काम। और यही काम को 15 मैन और 20 बॉय मिलकर काम करता है तो कितना दिन, 1 दिन। दोनों काम बराबर। अब देखिए क्षमता जो निकला मैन का और बॉय का उधर देंगे, तो मैन का क्षमता कितना है, 4, तो यहाँ 4। बॉय का क्षमता कितना है, 3, तो यहाँ 3। यहाँ मैन का क्षमता कितना है, 4, तो यहाँ 4। 15 चक्को 60 और 20 60, 60+60 कितना जाएगा, 120 गुना x बराबर 45 × 4 की जगह कितना हो जाएगा, 180 गुना 20। देखिए इसको काटिएगा तो 20 × 6 = 120 होता है और 6 × 3 = 18, यहाँ कट जाएगा 30। यानी x बराबर कितना, 30 दिन। x बराबर कितना जाएगा, 30 दिन। यानी 15 मैन और 20 बॉय को वही काम करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन लगेगा। आंसर कौन जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन सी जाएगा। देखिए फिर समझ लीजिएगा कि या वाला क्वेश्चन आ जाए तो या अथवा रहे, ठीक है, या जबकि रहे तो बराबर कर देंगे। यानी 45 पुरुष का क्षमता 60 बॉय का क्षमता है और यहाँ पर समय कितना है, 20 दिन। तो मैन और बॉय का क्षमता कितना निकल गया, 4:3। अब पूछा था 15 मैन और 20 लड़का मिलकर काम करता है तो कितना दिन में करेगा, 1 दिन में करेगा। मान लीजिए कौन सा काम, वही काम जो 45 पुरुष या 60 लड़का काम करता है। देखिए यहाँ बराबर में कोई भी रख सकते हैं, 45 मैन गुना 20 कर सकते हैं या 60 बॉय गुना 20 भी कर सकते थे। 60 × 20 कीजिएगा तो ये भी निकलेगा काम, या 45 × 20 करेंगे तो ये भी निकलेगा काम। तो बराबर में कोई भी रख सकते हैं और मैन का क्षमता बॉय का क्षमता रख करके सॉल्व कर लेंगे, निकल जाएगा आंसर। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 8 आदमी या 12 औरतें या 16 लड़के किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। देखिए समय कितना है, 40 दिन। यानी कहने का हुआ कि अगर 8 आदमी काम करेगा तो एक काम को 40 दिन में करेगा, या उसके स्थान पर 12 औरत करेगा तो 40 दिन में करेगा, या 16 लड़का काम करेगा तो 40 दिन में करेगा। यानी तीनों के लिए समय क्या है, 40 40 है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 8 आदमी का क्षमता 12 औरत की क्षमता और 16 लड़के की क्षमता बराबर है। तो लगाइए 8 मैन बराबर 12 औरत बराबर 16 लड़का, इका क्षमता बराबर है। तो यहां लगाइए, काटिएगा सबको, कितना जाएगा, 2 चको 8
तीन चौको 12 और चार चौको 16, यानी 2m बराबर 3w बराबर 4b। अब यहां से रेशियो में लिखिए तो मैन वोमैन और बच्चा का रेशियो कितना हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा मैन का रेशियो, तो मैन को निकालना है तो मैन को झाप दीजिए, अब बाकी को गुना कीजिए, 4 × 3 = 12, और डब्ल्यू का रेशियो निकालिए तो डब्ल्यू को झापिएगा तो 4 × 2 = 8, और अगर बॉय को निकालेगा तो बॉय को झापिएगा 3 × 2 करना 6। देखिए ये चीज बताए थे हम आप रेशियो में लिखने, रेशियो में कि कैसे लिखा जाता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो चलिए इसमें कॉमन कितना हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, यानी एक मैन एक वोमैन और एक बच्चा का क्षमता का रेशियो आ गया 6 × 4 = 3। अब क्वेश्चन बताएं 4 आदमी यानी 4 मैन 3 औरतें 3 औरत और 8 बच्चा यानी 8 लड़का 8 बच्चा मिलकर काम करेगा तो 3 गुने काम को कितना दिन में करेगा, 3 गुना काम। तो मानते हैं कि इतना मिल करके कितना दिन, x दिन, लेकिन काम कितना, काम 3 गुना, तो काम नीचे लिखना है 3, तो बराबर में ऊपर वर्क काम दीजिए, वर्क दीजिए तो लगा लेते हैं 8 मैन वाला, कोई भी रख सकते हैं 8 मैन वाला या 12 औरत वाला या 16 लड़का वाला कोई भी रख सकते हैं। तो 8 मैन कितना दिन में, 40 दिन में। देखिए ये एक काम करेगा तब ये 3 गुना काम होगा, यानी यहां पर 8 मैन 40 दिन में एक काम करता है तो 4 मैन 3 औरत और 8 बच्चा मिलकर कितना दिन में 3 गुना काम को करेगा। अब लगा दीजिए यहां पर लगेगा काम बराबर काम। देखिए मैन का क्षमता 6 तो यहां पर 6, वोमैन का क्षमता 4 तो यहां पर 4, और बॉय का क्षमता 3 तो यहां पर 3, और यहां पर मैन का क्षमता कितना 6। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 6 × 4 = 24, 4 × 3 = 12 और 8 × 3 = 24, तो 24 × 48 = 12 = 60, 60 × x / 3 बराबर ये जगह 8 × 6 = 48 × 40। देखिए यहां से कटेगा तो 20 × 3 = 60, इसका जो कटिए 20 × 40 यानी x बराबर कितना गया 48 × 96, 96 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा 96 दिन, यही आंसर आया। ऑप्शन कौन जा रहा है, बी नंबर, ऑप्शन बी जाएगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिला 10 दिन बना सकते हैं, यानी कहने का हुआ कि अगर 7 पुरुष काम करेगा तो 10 दिन समय लेगा, तो काम कितना करेगा 100 मीटर लंबी दीवार बनाएगा, या इसके स्थान पर 10 महिला काम करे तो 10 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बनाएगा, यानी यहां पर दोनों का समय और काम बराबर है, तो कह सकते हैं कि 7 पुरुष का क्षमता 10 महिला के क्षमता के बराबर है, यानी या वाला लग गया तो या रहेगा तो क्या करना है, बीच में बराबर करना है, तो 7 मैन और 10 महिला का क्षमता क्या है, बराबर। तो बताइए यहां से एक मैन और एक वोमैन का क्षमता का रेशियो कितना जाएगा, तो मैन का सामने वाला 10 और वोमैन के सामने कितना है 7, यानी मैन का क्षमता 10 तो वोमैन का क्षमता कितना 7। तो कह रहा है अब 600 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए 14 पुरुष और 20 महिलाएं कितने दिन लेंगे, यानी 14 मैन और बोलेगा तो जोड़ना है 20 महिला, तो 14 मैन और 20 महिला मिल करके कितना दिन लेगा, 1 दिन लेगा, और काम कितना कराना है 600 मीटर, तो काम कहां नीचे, तो बराबर में कोई काम रखिए तो 100 मीटर 7 पुरुष वाला रखिए या 10 महिला कोई भी रख सकते हैं, तो 7 पुरुष कितना दिन 10 दिन, तो कितना काम 100 मीटर काम 100 मीटर, तो काम बराबर काम हो गया यहां से एमडीएच वाला फॉर्मूला लगा करके। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो मैन का क्षमता है 10 तो यहां 10 रखा जाएगा क्षमता, वोमैन का क्षमता है 7 तो यहां 7 रखा जाएगा, यहां पर ही 10 रखा जाएगा 10, तो हो गया 14 × 140 और 20 × 7 = 140, 140 से 140 की जगह 280 × x / 600, और यह 10 × 7 = 70 और × 10 यानी 700 / 100, देखिए 2 0 2 0 नीचे कर लिया यहां से और 1 0 से 1 0 यहां कट जाएगा, ठीक है ये कटेगा तो 10 × 7 = 70 और 7 × 4 = 28, ये कटेगा 2 × 4 = 3 × 6, फिर कटेगा 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10,
आ गया x बराबर 5 + 15, कितना 15 दिन, कितना दिन लगेगा 15 दिन लगेगा। ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन, तो चार नंबर में है, यदि 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी एक काम जो है वो 15 दिन लगेगा, तो 15 दिन किसको किसको लग रहा है, तो 10 आदमी काम करेगा तब, या उसके स्थान पर 18 लड़के काम करेगा तब। तो कह सकते हैं कि 10 आदमी का समय 18 लड़के का समय 15 दिन है, तो 10 आदमी का क्षमता 18 बच्चा के क्षमता के बराबर होगा। तो यहां से रखिए 5 × 10 और 9 × 18, यानी 5m = 9b। तो लगाइए m और b का रेशियो कितना हो जाएगा, और जो रेशियो निकल कर आएगा वो कब आएगा, क्षमता का रेशियो कहलाएगा, यानी 9 × 5। अब क्वेश्चन बोल रहा है तो 15 आदमी और 33 लड़के, 15 मैन और 33 लड़का, 33 बॉय, ये मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो x दिन में करेगा, लेकिन कितना काम, तो पहले जितना काम कर रहा था उससे दुगुना, तो दुगुना काम यानी करेगा, यानी कितना, 2। लगाइए कोई काम है वो, तो 10 आदमी का काम रखे या 18 लड़का काम रखे, कोई भी रखे, तो 10 मैन कितना दिन, 15 दिन, 10 मैन कितना दिन, 15 दिन। तो कितना काम कर रहा था, एक काम कर रहा था, देखिए 10 मैन 15 दिन में एक काम, तो 15 मैन 33 बार मिलकर एक दिन में कितना काम, दोगुना काम, यानी एक दोगुना करना 2। अब रख लीजिए मैन का क्षमता 9, बॉय का क्षमता 5, तो मैन का क्षमता 9, बॉय का क्षमता 5, और मैन का क्षमता 9, और इसको सॉल्व कर लीजिए x का मान निकल जाएगा, तो 15 × 9 कीजिएगा तो कितना जाएगा 135, 15 × 9 = 35 से, और 33 × 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 × 15, 5 × 15 = 16, 165, इसको जोड़ लीजिए 10, 6 × 9 = 10, 300, यानी कितना गया 300, और 300 भागा 2 की जगह तो कितना हो जाएगा 150, गुना x बराबर, यहाँ कीजिए 10 × 9 = 90 और गुने 15, देखिए कटेगा 15 × 150, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, यानी x बराबर करना आ गया 9 दिन, कितना जाएगा 9 दिन कर लगेगा। ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, करें 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लगाइए यहाँ पर 6 मैन और बोलेगा तो जोड़ना है 8 बॉय, ये मिल करके काम को कितना दिन में, 10 दिन में। बताइए टोटल यहाँ पर मैन और बॉय को जोड़ लिया तो निकल गया मैन गुना डे, तो निकल कर निकल गया वर्क, और यही काम को जबकि बोल गया तो क्या करना, बराबर, तो या अथवा या जबकि बोले तो बराबर करना है। 26 पुरुष 26 मैन और 48 बॉय, ये मिल करके काम करेगा तो कितना दिन में, तो 2 दिन में, तो ये काम और ये काम क्या हुआ, बराबर। तब यहां से सॉल्व करके मैन और बॉय के क्षमता का रेशियो लाइए, देखिए काटिएगा 2 × 5 = 10, अब यहां से 6 × 5 = 30 और 26m, यानी 30m में से 26m घट जाएगा तो कितना जाएगा 4m बराबर, ये जगह 8 × 5 = 40, तो 48 में से 40b जाकर घटेगा तो कितना जाएगा 8b, अब यहां से काटेगा 4 × 8, तो कह सकते हैं कि 1m = 2b, तो मैन और बॉय के क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, कितना आ गया 2:1। अब क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार के काम को, उसी प्रकार मतलब कौन काम, यही काम, ये काम या ये काम, ये दोनों काम बराबर है, तो ये काम या ये काम, इसी प्रकार काम को 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो देखिए 15 पुरुष यानी 15 मैन और 20 बॉय, ये मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, कौन सा काम, तो उसी प्रकार का काम, तो कोई भी काम रख दीजिए, कोई भी रख सकते हैं, तो 6m + 8b कितना दिन, 10 दिन, या इसके स्थान पर ये वाला भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी रख सकते हैं वो काम, तो काम बराबर काम लग गया। रखिए मैन का क्षमता 2, बॉय का क्षमता 1, मैन का क्षमता 2, बॉय का क्षमता 1, अगर लगाइए 15 × 30 = 20 = 50 गुना x, और 6 × 12 = 20 गुना 10, काटिएगा 0 से 0 खत्म हो गया, और ये 5 × 10, तो 2 × 2 करना 4, यानी x = 4 दिन, x = 4 दिन आंसर।
कौन सा ऑप्शन जा रहा है? सी नंबर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। आइए छठा नंबर क्वेश्चन, पांच पुरुष अथवा आठ महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए यहां पर या अथवा या जबकि रह सकता है, ठीक है, तो क्या करना है, बराबर करना है। यानी पांच पुरुष या आठ महिला काम करेगा तो 12 दिन, मतलब हुआ कि पांच पुरुष काम करेगा तो 12 दिन लगेगा, या पुरुष के जगह पर अगर महिला को काम कराते हैं तो आठ महिला काम करेगा तब 12 दिन लगेगा। यानी पांच पुरुष और आठ महिला दोनों के लिए समय क्या है, 12 दिन है। तो कह सकते हैं कि आठ पुरुष का क्षमता, नहीं आठ पुरुष नहीं, पांच पुरुष, ठीक है, पांच पुरुष, यानी पांच पुरुष का क्षमता आठ महिला के क्षमता के बराबर है। दोनों के लिए समय 12 है, तो दोनों के लिए समय बराबर है। यानी कह सकते हैं पांच मैन और आठ वोमेन का क्षमता बराबर है। लगाइए यहां से मैन और वोमेन का क्षमता कितना आ जाएगा, तो मैन और वोमेन का क्षमता का रेशियो 8:5 हो जाएगा। करा है उसी काम को दो पुरुष और चार महिला कितना दिन में कर पाएंगे, और बोल दिया मतलब प्लस, तो दो पुरुष दो मैन और मतलब मिल करके चार वोमेन कितना दिन में काम करेगा, तो एक दिन में करेगा। कौन सा काम, वही काम, तो ये काम या ये काम, कोई भी काम रख दीजिए, तो पांच मैन वाला रखिए या आठ वोमेन वाला रखेंगे कोई भी, तो पांच मैन कितना दिन में, 12 दिन में, या यहाँ पर रख सकते थे आठ वोमेन कितना दिन में, 12 दिन, यानी आठ वोमेन कर सकते थे यहाँ पर, कोई भी रख सकते हैं, तो दोनों काम बराबर। अब रख दीजिए मैन का क्षमता यहाँ पर 8, वोमेन का क्षमता 5, मैन का क्षमता 8, तो हो गया 8 × 16 और 5 × 20, 16 × 20 कितना जाएगा, 36 × 1 बराबर 8 × 5 = 40 × 12, 40 × 12 देखिए करिएगा, 12 × 3 = 36, तो 40/3 आ जाएगा, x बराबर करना 40/3, यानी आ जाएगा 13.33, 13.3 मतलब 13.33 दिन। यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो ऑप्शन डी जा रहा है, कितना दिन लगेगा, 13.33 दिन लगेगा। आइए सातवां नंबर क्वेश्चन, तो सातवां नंबर में है दो पुरुष और सात महिलाएं एक साथ मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। देखिए करा है, दो पुरुष यानी दो मैन और बोलेगा तो जोड़ना है, सात महिला ये मिल करके कितना दिन में, 14 दिन में, तो डे और मैन गुना कर लें तो क्या निकला होगा, जबकि बोलेगा क्या करना बराबर। यानी यही काम को अगर तीन पुरुष यानी तीन मैन और आठ महिला मिलकर के काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा। दोनों काम क्या बराबर, देखिए इसको सॉल्व करके मैन और वुमेन के क्षमता का रेशियो लाएंगे। देखिए ये कीजिएगा तो 14 × 28 = 28 m और ये कीजिएगा 11 × 3 = 33 m, तो 33 m में से 28 m घटेगा तो कितना जाएगा, 5 m। और यहां से 1498 W और 11 × 88 W, तो 88 W में से घटाइएगा 98 W, तो कितना जाएगा, 10 W बराबर 10 W। यानी पांच मैन का क्षमता 10 वुमेन के क्षमता के बराबर। अब यहां से काटिएगा 15 × 10, तो बताइए एक मैन और एक वोमेन के क्षमता का रेशियो कितना, तो मैन के सामने 2 तो 2 और वोमेन के सामने यहां कुछ नहीं तो 1, यानी मैन और वोमेन का क्षमता का रेशियो कितना निकल गया, 2:1 का रेशियो। चलिए अब आगे कर रहा है, आठ पुरुष और छह महिला मिलकर, कौन कौन, आठ पुरुष, तो आठ पुरुष और छह महिला मिलकर के कितना दिन में काम करेगा, लेकिन काम कितना, तो वर्तमान काम का 3 गुना, तो पहले काम हो रहा है 1, तो अब काम कितना होगा, 3 गुना। अलग ये पहले वाला काम कोई भी रख दीजिए, तो दो मैन और सात वोमेन मिलकर के कितना दिन में, 14 दिन में, लेकिन काम कितना, एक काम। देखिए दो मैन और सात वोमेन मिलकर के 14 दिन में, तो काम कितना, वर्क 1, इससे 3 गुना काम यानी कितना, 3, तो 8 मैन और 6 वुमेन मिलकर के कितना दिन में, 1 दिन में, तो दोनों काम क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कैसे सॉल्व करना है, तो मैन का क्षमता आया है कितना, 2, और वुमेन का क्षमता कितना आया है, 1, मैन का क्षमता कितना आया है, 2, और वुमेन का क्षमता कितना आया है, 1। चलिए इसको सॉल्व कीजिए,
आरटीआई 24 और 6 × 1 = 6, तो 24 और 6 कितना जाएगा 48, 16, 8 × 16 और 6 × 16 = 22, तो 22 × x = 3। इधर आ गया 2 × 4 और 7 × 1 = 7, तो 7 × 4 = 11, 11 × 14। देखिए इसको करिएगा, 11 × 22 और 2 × 7 = 14, यानी कह सकते हैं कि x बराबर कितना, तो 3 × 7 कितना जाएगा 21, यानी x बराबर 21 दिन, x बराबर कितना 21 दिन, यानी कितना दिन लगेगा 21 दिन लगेगा, यानी ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए 21 दिन। आइए आठवां नंबर क्वेश्चन, तो आठवां नंबर में है, दो पुरुष और एक लड़का किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो लगाइए दो मैन और एक लड़का एक बॉय मिल करके कितना दिन में, 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि यही काम को एक पुरुष यानी एक मैन और दो बॉय मिल करके 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां से क्षमता का रेशियो निकालिए, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, तो निकालिए यहाँ काटिएगा, तो 5 × 10 और 6 × 12, ये हो जाएगा 5 × 10 और 5 × 1 = 5, यानी 10 m और यहाँ कितना 6 m, तो 10 m में 6 m जाएगा तो कितना 4 m, कितना 4 m, अभी 5 और 6 × 12, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना 7 b, तो यहाँ से 1 m और 1 b, यानी एक मैन और एक बॉय के क्षमता का रेशियो कितना जाएगा, तो मैन के सामने 7 तो 7 और बॉय के सामने इधर 4 तो 4, तो ये क्या निकला क्षमता का रेशियो। अब देखिए आगे दिया है, अगर एक लड़का का परिश्रमिक 40 रुपया प्रतिदिन हो तो एक पुरुष का प्रतिदिन परिश्रमिक ज्ञात कीजिए, यानी एक लड़का एक दिन में 40 रुपया कमाता है, यानी काम के बदले यानी एक दिन काम करता है लड़का तो 40 रुपया कमाएगा, बताइए एक पुरुष एक दिन काम करेगा तो कितना रुपया कमाएगा, तो हम बताए थे कि उसका मजदूरी जो था टाइम एंड वर्क में ये किस पर बांटा जाता है, तो एक तो क्षमता का रेशियो पर मजदूरी को बांटते हैं या भाग पर बांटते हैं, तो भाग तो यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ काम नहीं है कि कितना भाग काम हो रहा है, यहाँ क्या है क्षमता है, तो क्षमता का रेशियो में मजदूरी को बांटेंगे। बताइए एक लड़का का परिश्रमिक प्रतिदिन कितना 40 रुपया, लेकिन एक लड़का का यहाँ पर क्षमता कितना 4, यानी कह सकते हैं कि 4 के क्षमता से काम करता है तो 40 रुपया कमाता है, यानी अनुपात 4 = कितना 40 रुपया, अनुपात 4 = 40, यानी एक लड़का का प्रतिदिन वेतन कितना 40 रुपया, तो एक लड़का का क्षमता कितना 4, तो 4 = 40, तो अनुपात 1 = कितना जाएगा 10 रुपया। तो बताइए एक पुरुष का प्रतिदिन कितना जाएगा, तो एक पुरुष का क्षमता कितना है 7, तो 7 के क्षमता से हिसाब से कितना कमाएगा, 10 × 7 कितना जाएगा 70 रुपया, कितना कमाएगा 70 रुपया, यानी एक आदमी कितना रुपया कमाएगा 70 रुपया कमाएगा, यानी वेतन को मजदूरी को क्षमता के रेशियो में बांट देंगे, इस तरह क्वेश्चन बताया गया है। देखिएगा क्वेश्चन जो रुपया बांटने वाला है वीडियो, पिछला वीडियो में बताया गया होगा, हो सकता है कि चौथा वीडियो में बताया होगा, चौथा वीडियो में देखिएगा वेतन वाला मिलेगा क्वेश्चन, तो आ जाएगा ऑप्शन डी नंबर 70, ठीक है।